नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम देखेंगे अपने जनरल साइंस के सामान्य विज्ञान के छठे क्लास को। इससे पहले हमने पांच क्लास से करवा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि सभी के सभी क्लासे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या किसी भी अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अब हम अपने पहले टॉपिक को देखते हैं। तो पहला टॉपिक है अजैविक रोग, ठीक है, अजैविक रोग। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले क्या है, सबसे पहले धान का खैरा रोग। ये पूछा जा सकता है कि धान में कौन सा रोग होता है, तो खैरा रोग होता है। किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद मटर का मार्स रोग, याद रखिएगा मटर में मार्स रोग होता है जो कि मैग्नीज की कमी के कारण होता है। उसके बाद नींबू का डायबैक रोग, कॉपर की कमी के कारण होता है। उसके बाद यहाँ देखिए नींबू का लिटिल लीफ रोग, कॉपर की कमी से होता है। तो याद रखिएगा दोनों कॉपर की कमी से ही होता है। अगला दिया हुआ है, अगला है आम का लिटिल लीफ रोग। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा कि आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है, तो जस्ता की कमी से होता है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो जो इंपॉर्टेंट थे इसमें उसको मैंने बता दिया। आप इनको एक बार अच्छे से देख के चले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकते हैं और आपको सब चीज अच्छे से तैयार करके ही जाना है एग्जाम में, ठीक है। अगला हम टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है जीवाणु जनित रोग, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी आप अच्छे से देखिएगा। इसमें देखिए नंबर वन क्या है, नंबर वन में लिखा हुआ है सेडोमोनास, ठीक है, ये क्या है, आलू का सैथिल रोग है, ठीक है ना, सेडोमोनास। अगला देखिए नंबर टू में है इरविनिया एमलेवोरा, ठीक है, तो सेब व नाशपाती, ठीक है, ये मैंने नाशपाती लिखा है, का अग्नि निर्जा रोग, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर तीन में क्या है, एग्रो बैक्टीरियम, ठीक है, एग्रो बैक्टीरियम ट्रेमेफेसियंस, ठीक है, इस रोग के, ये रोग होता है क्राउन गॉल, ठीक है, याद रखिएगा, कुछ अजीब सा नाम है यहाँ पे। आगे देखिएगा ये भी पूछा जा सकता है, बहुत कम चांस है पर भी आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ था लिखा ना मैंने जुंथुमोनास, ठीक है, कैंपेसिटिस से, देख लीजिएगा क्या लिखा है, बंद गोभी का काल विंगलन रोग। आगे देखिएगा यहाँ क्या है, जेंथोमोनास, ये कहीं ऊपर भी देखा था हमने, जेंथोमोनास सिट्री, ये क्या होता है, नींबू का कैंकर रोग होता है, ठीक है, तो इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है कि मुझसे बोलने में गलत हुआ होगा, फिर भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी के ये क्वेश्चन है और बायो के भी क्वेश्चन आते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में तो आते ही है, तो इनको आप देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक देखते हैं। अब दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं, तो अगला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होता है ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं प्योर वाटर, प्योर वाटर का आपको याद रखना है कि 7 होता है, ठीक है, उसके बाद सिरका, सिरका का होता है 2.5 से 3.4 तक। उसके बाद देखिएगा शराब, शराब का होता है 2.8 से 3.8 तक। उसके बाद देखिएगा मिल्क, पूछा जा सकता है 6.4 टू 6.6 तक। उसके बाद रक्त यहां मैंने लिखा है, ठीक है, रक्त, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, रक्त मतलब ब्लड हो जाएगा, रक्त मैंने गलत लिखा था, यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्लड, ठीक है, ब्लड का जो होता है ना, इंसान के खून का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है। उसके बाद नींबू, नींबू का रस का जो पीएच वैल्यू होता है 2.2 टू 2.4 तक। तो इनको आप याद रखिएगा, जितना भी मैंने बताया सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे, तो इनको आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की काफी हद तक चांस है, काफी ज्यादा चांस है इस टॉपिक का, पीएच वैल्यू पूछा जा सकता है। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक देखते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा
विषाणु जनित फसल के रोग। ठीक है, किस विषाणु से कौन सा रोग होता है, ठीक है, क्या रोग होता है हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, बनाना केला, केला में जो रोग होता है वो मोजेक होता है, ठीक है, और मोजेक यहाँ सरसों में भी रोग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा टमाटर, टमाटर का जो रोग होता है वो पत्तियों में ऐठन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नींबू, नींबू में उतक क्षयन एक रोग होता है, वो होता है बादाम, बादाम में क्या होता है रेखा पैटर्न नामक एक रोग होता है। उसके बाद पपीता, पपीता में क्या होता है मोजेक होता है, तो मोजेक कहाँ हो गया, एक तो केला में हो गया, एक पपीता में हो गया, एक सरसों में हो गया। उसके बाद तिल, तिल में होता है फिलौरी, ठीक है, आप देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। उसके बाद गन्ना, गन्ना में जो रोग होता है ना ट्रिन समान प्रारोह, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इनको। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है भिंडी, भिंडी में जो रोग होता है यहाँ भी मोजेक, आप याद रखिएगा भिंडी में भी, पर यहाँ पे फिली नारी मोजेक होता है, ठीक है। उसके बाद चुकंदर, चुकंदर में होता है ऐठा हुआ सिसरो भाग, ठीक है, एक रोग का नाम है। उसके बाद सरसों का मैंने बता दिया मोजेक, तो मोजेक लगभग आपको चार जगह देखने को मिल गया, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अब हम अगले टॉपिक, अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है तत्वों के मतलब मेटल के लैटिन नाम तथा एवं उनके संकेत, ठीक है, कौन से साइन संकेत से उनको दिखाया जाता है, सिंबल से उनको दिखाया साइन मतलब क्या लिखा जाता है उनके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए सोडियम, यहाँ बोलने में मुझसे गलत हो सकता है क्योंकि नाम क्या अजीब से है, ठीक है ना, तो उनको आप देख के मैं स्पेलिंग बता दूंगा, उनको देख के आप याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ देखिए सोडियम, सोडियम का क्या होता है नेट्रियम, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आयरन, सोडियम को ऐसे Na से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद आयरन, आयरन को लोहा बोलते हैं, और लोहा का क्या होता है Fe, और यहाँ लैटिन नाम क्या हो गया फेरम, ठीक है, फेरम फेरम, ठीक है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद तांबा, तांबा को कॉपर बोलते हैं और इसको लिखते हैं Cu, और इसका जो लैटिन नाम होता है कप्रम, ठीक है, क्यूप्रम, क्यूप्रम इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा सिल्वर, सिल्वर का Ag होता है, और चांदी इसको हिंदी में बोलते हैं और इसका लैटिन नाम लिखा हुआ है अर्जेंटम, आप देख लीजिएगा। उसके बाद पोटेशियम को, पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं और इसका लैटिन नाम होता है कैलियम, कैलियम, ठीक है, कैलियम होता है, आप देख लीजिएगा कैलियम। उसके बाद जो भी लिखा है आप देख लीजिएगा, बोलने में कुछ गलत हो सकता है। उसके बाद सीसा, सीसा का होता है लेड, लेड बोलते हैं और इसको Pb से डिनोट करते हैं और इसका लैटिन नाम है प्लम बम, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा टंगस्टन, टंगस्टन जो बल्ब में इलेक्ट्रिक बल्ब में लगा होता है उसको हम W से डिनोट करते हैं और उसका लैटिन नाम होता है यहाँ पे WOLORAM, यानी वोलोरम। उसके बाद देखिएगा एंटी मनी का आपने नाम सुना होगा, इसको हम SB से डिनोट करते हैं और इसका जो लैटिन नाम होता है STBM, ठीक है, STIBIUM। उसके बाद देखिएगा टीन, टीन को हम बंग भी बोलते हैं और इसको हम SN से डिनोट करते हैं और इसका नाम क्या होता है लैटिन नाम स्टैनम, स्टैनम, आप देख लीजिएगा। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड का क्या होता है Au और इसको डिनोट किससे करते हैं, लिखते हैं किससे, लैटिन नाम इसका होता है अरुरम, अरुनम, देख लीजिएगा क्या लिखा है अरुनम, जो भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद मरकरी, मरकरी का होता है Hg और यहाँ इसका लैटिन नाम होता है हाइड्रा, हाइड्राजेरम, ठीक है, और यहाँ स्पेलिंग देख लीजिएगा AURUM और यहाँ पे HYDRA हाइड्रा GYRAM, ठीक है। तो आपको अगर सिंबल याद है तो आप लैटिन नाम भी याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ N है तो NA शुरुआत में आ गया, Fe है तो Fe शुरुआत में आ गया, कॉपर है तो Cu शुरुआत में आ गया, Ag है तो Ag, यहाँ वो लॉजिक नहीं लग पाया, यहाँ पोटेशियम का K होता है तो K शुरुआत में है, लेड का Pb होता है तो यहाँ P और यहाँ B हो गया, खोजना आपको। उसके बाद देखिएगा टंगस्टन, W तो ये याद हो सकता है ना, W से स्टार्ट है। उसके बाद Sb, Sb यहाँ पे S है यहाँ पे B है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा Sn, Sn यहाँ पे S है यहाँ N है, ठीक है। उसके बाद Au, Au शुरुआत में ही Au मिल गया आपको। उसके बाद मरकरी का Hg, H यहाँ पे G यहाँ पे है, ठीक है। तो आप चाहे तो अगर आपको संकेत याद है तो आप इनके लैटिन नाम को भी आसानी से याद कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो हमने अपना सभी लेसन को कंप्लीट कर लिया आज के, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, आशा करता हूं कि आज का दिन आपका काफी अच्छा रहेगा। थैंक यू।